टिकटॉक पर आने वाले कई लोग सेलिब्रिटी के नाम से फेमस हैं। इस लिस्ट का एक नाम सेलिब्रिटी शाहरुख खान का है, जिसे नोएडा पुलिस ने चोरी करने के आरोप में पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला शाहरुख खान बुधवार की सुबह ग्रेटर नोएडा में अपने 3 साथियों के साथ पकड़ा गया है। 23 साल के इस लड़के पर लेटेस्ट हुई 6 चोरियों का इल्जाम लगा है। वह आपको बता दी कि टिकटॉक पर शाहरुख खान अपने डांस वीडियो की वजह से फेमस है। इस खबर के सामने आने के बाद से लोग शाहरुख के टिकटॉक वीडियोज में उसे ट्रोल कर रहे हैं। टिकटॉक ऐप पर शाहरुख खान के 40,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। पिछले कई दिनों से कुछ लोग हथियार लेकर ग्रेटर नोएडा में लोगों के साथ लूटपाट कर रहे थे, जिसमें सभी से कैश और मोबाइल फोन छीने गए थे। नोएडा पुलिस बड़ी मुश्तैदी से इनकी तलाश कर रही थी और बुधवार को सुबह पुलिस ने इन चोरों को पकड़ लिया। शाहरुख के अलावा आसिफ, फैजान और मुकेश नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों का मानना था कि पिछले कई दिनों से हुई 6 चोरियों की वारदात को इन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस को इन लोगों के पास से 5 फोन, 1 बाइक और कुछ कैश मिला है। शाहरुख, आसिफ, फैजान बुलंदशहर के रहने वाले हैं, तो वहीं मुकेश बिहार का रहने वाला है। फिल्मी अड्डा से वैष्णो सोनी की रिपोर्ट।